हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिपिका अपडेट्स। आज हम लोग बनाएंगे मैक्रोनी, वो भी देसी स्टाइल में। इसके लिए हमें जो सामग्रियां चाहिए वो है एक कप मैक्रोनी, आप चाहे तो स्पेगेटी या फिर कोई और पास्ता भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च, मैंने यहाँ पे तीन तरह के शिमला मिर्च ले लिए हैं, ग्रीन मटर जो कि हरा मटर है, गाजर, प्याज और मसाले के लिए ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स, बटर और थोड़ा सा चीज़ और गार्लिक के कुछ पीसेस लिए हैं। चीज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। पानी, उबले हुए पानी में हम करीबन 2 टेबलस्पून तक नमक डालेंगे। पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तब हम पास्ता को डालेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम पास्ता डाल रहे हैं। ध्यान रहे, ठंडे पानी में कभी मत डालिए, जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तभी डालिए, वरना आपका पास्ता चिपचिपी हो जाएगा और खाने में इतना मजा नहीं आएगा। अब हमारा पास्ता हो गया है तो हम ऐसे इसे एक छान लेंगे। इसे छानने के बाद एक बार आप कोल्ड वाटर के नीचे इसे अच्छे से धो लीजिए। अब कढ़ाई में हम बटर ले रहे हैं, करीबन 2 टेबलस्पून बटर है। अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है नो, अगर आपके पास बटर नहीं है तब ऑयल में भी बनाइए, लेकिन बटर में इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। इसमें हमने गार्लिक डाला है, गार्लिक को हमें अच्छे से भून लेना है। गार्लिक का बस थोड़ा कच्चा स्मेल निकलना चाहिए, हमें पूरा मसाला की तरह इसे नहीं भूनना है। अब हमने जो ऑरेगानो लिया है उसमें थोड़ा सा डाल लेंगे, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में हम लोग वापस से डालेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इन सबको भी अच्छे से पका लेंगे। अब हम लोग सारे वेजिस को वन बाय वन अभी डाल देंगे कढ़ाई में। प्याज थोड़ा बड़े टुकड़ों में रखिए तो खाने में अच्छा लगेगा। पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था। आप चाहे तो एक तरह का भी ले सकते हैं, इवन आप दूसरे वेजिस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स और गोभी भी इवन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। पास्ता एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप अपने मनपसंद वेजीज को डाल सकते हैं, कुछ भी आप डालें इसमें टेस्ट अच्छा ही आएगा। वेजीज को थोड़ा अच्छे से कुक कर लीजिए जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ढक्कन डाल दीजिए, 5 मिनट बाद देखिए सब्जी को बहुत ज्यादा कुक ना करें, क्योंकि पास्ता में अगर वेजिस थोड़ा क्रंची रहेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। वापस 1 मिनट हमने इसे ढक लिया था, अब हमारा वेजी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज में वापस से वेजीज को अच्छे से थोड़ा हिला लेंगे। अब हमें इसमें टमाटो केचप डालना है। हमने करीबन 2 बड़े टेबलस्पून टमाटो केचप और यहाँ मैंने रेड चिली सॉस भी लिया है। अभी बाकी के ऑरेगानो और जो चिली फ्लेक्स हैं वो हम डाल देंगे। अब अच्छे से इन मसालों को वेजिस के साथ कोट कर लेंगे। हमने पहले पूरा ओरेगानो नहीं डाला था क्योंकि ओरेगानो जो होता है
वो बटर में जब डाले तो उसका एक अलग स्मेल आता है और अभी जब डालेंगे उसका अलग स्मेल होता है, इसीलिए हमने पहले शुरुआत में ही पूरा नहीं डाला था। अभी इन मसालों के साथ वेजीज को और थोड़ा पका लीजिए। इसमें थोड़ा सा हम पानी दे रहे हैं, पानी हम इसमें ज्यादा नहीं दे रहे हैं, बस जो सॉस था, जो कटोरी में सॉस था उसे धोकर उसी का पानी हमने डाल दिया है थोड़ा सा। इस स्टेज में हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। अब हम इसमें जो हमारे पास जो थोड़ा सा प्रोसेस चीज था उसे हम डाल देंगे। चीज कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, वरना आप इसे बिना डाले ही ये इक्वली अच्छा ही टेस्ट करेगा अगर आप चीज ना डाले तो भी। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जरूर डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों को चीज खाना पसंद नहीं होता। चीज हमारा जो है अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब हमारा जो मसाला है अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। देख सकते हैं मेरा पास्ता बिल्कुल खुला खुला बना है, बिल्कुल भी चिपका चिपका सा नहीं बना है क्योंकि हमने उसे एक बार ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया था। अब हमें पास्ता में हमारा जो मसाला है अच्छे से मिला लेना है। पास्ता एक बहुत ही इजी चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे जितनी मात्रा में वेजिटेबल्स डाला है, जरूरी नहीं है कि आप भी उतनी मात्रा में डालें, आप अपने मनपसंद के हिसाब से इसे ज्यादा कम कर सकते हैं। अब हमारा पास्ता जो है एकदम रेडी हो चुका है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय लगता है, तो अब इस लॉकडाउन में इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें घर पे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोग पहले बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।